नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने जैसा कि बताया इससे पहले वाले वीडियो में आंसर की रिवाइज्ड होकर आ चुकी है, तो वो कौन सा क्वेश्चन था रिवाइज्ड हुआ है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सिर्फ एक ही प्रश्न रिवाइज्ड होकर आया है, बाकी के जितने ऑब्जेक्शंस थे वो गलत थे, तो आपको मैं वो प्रश्न दिखाने वाला हूँ अभी। दोस्तों यही वो प्रश्न है जो रिवाइज्ड किया आयोग ने, इसका उत्तर पहले डी दे रखा था और इस बार इसका उत्तर सी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है उनके लिए जिनका सीरीज सी था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे नई रिवाइज्ड आंसर की बन के आई, जिससे आपको पता चल रहा हो कि ये आंसर चेंज होके आया या पहला वाला लिखा है। दोस्तों हम लोग सरकारी रिजल्ट के पेज पर हैं और इसमें पहला वाला जो कॉलम इसमें दे रखा है डाउनलोड रिवाइज्ड आंसर की, दूसरे कॉलम में क्लिक हेयर दे रखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। पोस्ट कोड 4 के लिए अप्लाई किया है उन्होंने, जिन्होंने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है। जो ग्रुप सी वाले हैं अपना अलग देखेंगे। ग्रुप डी का जैसे आप खोलेंगे आपकी चार सीरीज बन के आएंगी, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 और 4। तो जिसकी जो सीरीज है खोल सकता है, आप कोई भी सीरीज खोलेंगे उसमें एक जो रिवाइज्ड आंसर है वही आपको येलो कलर के हाईलाइटर से बना हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको डाउनलोड करके आंसर की, ये आंसर की आपकी खुल के आ गई है। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 96 जो है ये रिवाइज्ड हुआ है, इसका आंसर देखिए सी आ गया है। जो सी सीरीज हुए हैं उनके 15 नंबर का क्वेश्चन था और उनका रिवाइज्ड होकर सी आ गया है। तो जिसका क्वेश्चन का आंसर डी दे रखा था वो सबका सी हो गया है। और क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों यही वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात कीजिए। 5 का गुणक आपको बताना था। ऊपर के दो ऑप्शन अगर देखे जाएं, अगर चारों सही होने होते तो ऊपर के दो ही सही होते, तीसरा गलत हो जाता। आयोग ने चारों सही करके दिया था इसीलिए इस पर ऑब्जेक्शन हुआ। ऊपर के दोनों गलत हैं और क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन सी है वही सही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। जिन भाइयों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा जल्दी सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाली सभी न्यूज़ में आपको देखता रहूँगा। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उन लोगों को शुभकामनाएं जिनका एक नंबर बढ़ा है इस क्वेश्चन की वजह से। कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का एक नंबर बढ़ा है और अब कितने नंबर हो गए हैं।